press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की उभरती हुई पत्रकार कश्मीर से उरफाना मीर, जो कि आज पाकिस्तान की हेंकड़ी निकाल देंगी। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे इस कश्मीरी लड़की को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। उरफाना जी, ये चीज बताइएगा कि क्या समझती हैं आने वाले टाइम में, बल्कि मैं ये आपसे क्या पूछना, मैं ये देखने वालों से पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से पूछना चाहूंगा, उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन्होंने 76 साल हमें ये नारा बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम इंडिया साइड कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, इंडिया साइड कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उनके लिए नहीं रहते चाहिए। हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से सामने ये कश्मीरी लड़की बैठी है, जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो एजुकेशन की बात कर रही है, अगर इसी तरीके से दूसरे तमाम कश्मीर की यूथ होगी, तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या वो दिन देखने को हमें नहीं मिलेगा कि उस साइड के कश्मीरी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान के कश्मीरियों को एजुकेशन नहीं मिल रही, पाकिस्तान के कश्मीर यहाँ पे जो हम योम यकजहती मतलब कश्मीर के साथ एक अपनाइयत का दिन मनाते हैं, ये ना हो कि कल को वहां के लोग जो सा कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीरियों के लिए अपना एक दिन मनाए कि भाई उनके साथ जुल्म हो रहा है, नहीं, वो एक्चुअली सी चीज दैट्स है। रियलिटी शुएब। मैं आपको बोलूंगी, हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके देश में, आपकी कंट्री में हालात ठीक हो जाए, बदतर हो जाए, आपको आपकी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ ना, एक जर्नलिस्ट को देखने के बाद पता चलता है, जब मैं आपके वहां के पत्रकारों को देखती हूँ ना, सहाफियों को देखती हूँ, मुझे शर्म आती है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको नहीं थोड़ी सी भी अक्ल है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, यार प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जर्नलिज्म क्या होता है, एटलीस्ट थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। एक देखिए, मैं जब भी मैं पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल खोलती हूँ, कश्मीर में हुआ आज ये, कश्मीर में हुआ आज वो, कश्मीर में औरतों के साथ बुरा किया जा रहा है, कश्मीर में लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कश्मीर में इंडियन आर्मी घरों के बाहर खड़ी है। अरे भाई, वो तुम लोगों के लिए खड़ी है, अगर तुम लोग बॉर्डर से आओगे, हम पे हमला करोगे, वो लोग तो तुम्हें ही मारेंगे ना, वो तो तुम लोग के लिए खड़े हैं, तो तुम क्यों कश्मीर की बात कर रहे हो, क्यों कश्मीर के नाम पे टीआरपी ले रहे हो। आप बोलो, पाकिस्तान की 70% पब्लिक जो है वो कह रही थी कि हमने इमरान खान को वोट दिया है, फिर वो वोट कहाँ गए? आपके इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी घटिया है कि वहां पर इलेक्शन मतलब हो गया, वोट डाले और उसके बाद आपकी मशीनें ही खराब हो गई? आप मुझे बोलो, आपकी पूरी आवाम रोड पे निकली है कि हमने पीटीआई को वोट दिए, फिर कैसे सेम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? फिर तो वहां पर लोगों की भी नहीं सुनी जा रही, लोगों के भी हित में जो है फैसला नहीं किया जा रहा। आप मुझे बोलो, इमरान खान को बंद किया है, उससे उसको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा, एक उसकी बहन उसके पास गई थी मिलने के लिए, आप देखो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इलेक्शंस का, आप देखो कितने लोगों को रोड से अरेस्ट किया जाता है जो इमरान खान के नारे लगाते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं? फॉर मी इट्स नॉट डेमोक्रेसी। मैं पर्सनली कहूंगी ये डेमोक्रेसी नहीं है। आजादी उसको कहते हैं जब आपको वोट डालने का हक हो, क्योंकि आम आवाम ही सरकार चुनती है। जब आपके देश में आम आवाम को सरकार चुनने का दर्जा नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, किस तरीके और से आप वहां पर एग्जिस्ट करोगे और किस तरीके से आप वहां पर रहोगे? ठीक है, और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने ये सारी चीजों को डिस्कस किया। खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है उरफाना जी, एक कश्मीरी लड़की ने ये सवाल किए हैं कि एक साइड पे पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है, एजुकेशन की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, दूसरे दुनिया के साथ रिलेशन की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, हम सबके सामने है। तो दूसरी साइड पे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करेंगे, तो उससे लोग अब हम पे हंसते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम, मतलब हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिरेबान में जाके हमें जरूरत है कि हम अपने आप को एजुकेट करें।
आज हम मैं ये कहता हूं कि जो कंटेंट मैं कर रहा हूं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई देखें यूएई कहां पे चला गया, यूएई के कैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, इंडिया के कैसे रशिया के साथ बेहतर है रिलेशन, इंडिया के कैसे ईरान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है, आपको अरे इन चीजों का आप शोहेब कंसेप्ट। शोहेब शोहेब शोहेब, मैं इतना कहूंगी कि अगर हमारे कश्मीर की बेटी यूएन में जाके ये स्पीच दे सकती है कि आई एम नॉट मलाला, तो आप मुझे बोलो कि कश्मीर की बेटी को कितना दर्जा दिया गया है इंटरनेशनली। आज कश्मीर की बच्चियां, इससे पहले भी यूएन में तस्लीमा जी गए थे, उन्होंने भी वहां पर सेम ही जो है स्पीच दी थी। मतलब कश्मीर की लड़कियों को कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो आज इंटरनेशनल लेवल पे अपने कश्मीर की बात कर रही हैं और प्राउडली प्राउडली ये बात कह रही हैं दैट वी आर इंडियन कश्मीरी एंड वी ठीक है। आर रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग। और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को। उरफाना जी पर्सनली आपसे बात करके इसलिए अच्छा लगता है, बहुत से ऐसे मतलब ये है कि हम बात करते हैं अक्सर लोगों से और ज्यादातर पीस की मोहब्बत की बात की जाती है, लेकिन आपने आज भी यही बोला कि भाई पाकिस्तान मैं चाहती हूँ, यानी आपने बोला कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन आए, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने इशूज से बाहर निकले डेवलपमेंट की तरफ जाए। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग या कोई भी दुनिया किसी दूसरे दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे लिए बेहतर सोचता है, और यही सोच हमें अपने लिए रखनी है और यही सोच हमें दूसरों के लिए रखनी है। शायद कोई भी इंसान कोई भी कंट्री तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है, कि जब तक वो अपने नेबर का बेहतर नहीं सोचेगा। आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये कहूंगा कि हमने इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो ना चाहते हुए चाहते हुए हमारे अपने ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आज यार अगर मैं टुकड़े यहाँ पे टुकड़े बैठ करने के के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए। आप लोग के पास तो कुछ है नहीं, आप टुकड़े कैसे करोगे हमारे। लेकिन मतलब अगर आपको हथियारों की भी हमारे पास जरूरत है ना, जज्बा है आपको ना। पहले वो जज्बा हमसे जज्बे का क्या करना है आप मुझे बोलो। हाँ मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है जब पाकिस्तानी ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हम लोग, तुम खुद को तो संभालो पहले, क्या कर रहे हो तुम लोग। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो प्रोपोगंडा यहाँ पर क्रिएट किया जाता था पहले, इसी से एक चीज भी टच करूंगी। कुछ आम पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ की जो ये कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और एलजी गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा की जानिब से परसों ही स्टेटमेंट निकाली गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगी जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। आप मुझे बोलो ओपनली अगर पाकिस्तान की इतनी जलालत हमारे यहाँ के एलजी कर सकते हैं तो पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान प्रूफ क्या करना चाहता है। पाकिस्तान क्यों बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहा, पाकिस्तान क्यों बच्चों को राइट्स नहीं दे रहा। मैंने आज तक कोई लड़की जो आपका वो कश्मीर है गलती से जो आपके पास है उसकी मैंने कोई लड़की देखी ही नहीं पत्रकार सहाफी, कोई लड़की मैंने देखी ही नहीं जो इंटरनेशनली बात करे, कोई लड़की मैंने देखी ही नहीं जो आके, लड़कियां छोड़ो मैंने लड़के भी नहीं देखे। अरे इतना क्या पाकिस्तान गया गुजरा है कि उनके पास यूथ नहीं है बात करने के लिए। इतना क्या आपने यूथ को दबोच के रखा है, दबा के रखा है। आप जैसे जो लोग हैं जो सिचुएशंस को दिखा रहे हैं, यार आप लोग वहां पर सेफ फील करते हो। आप मुझे बताओ शोहेब भैया, आप वहां पर सेफ फील करते हो रहने से। कल तक तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पकड़ेंगे। मैं तो इसके ऊपर क्या ही दैट्स वेरी कहूंगा, ये हमने रेडिकुलस, आई से पिछले लास्ट मंथ जो हमारे साथ चीजें हुई वो सबके सामने है, और ऐसी कई चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं शायद कुछ हम बात, अगर कोई बात करना चाहे, अगर किसी के पास नॉलेज हो, अगर किसी को फैक्ट का पता हो, तो कहीं ना कहीं वो बात कर सकता है। लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, तो आपके बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से कि अगर पाकिस्तान साइड कश्मीर से, हमारे कश्मीर से हमें कोई बहन कोई भाई देख रहा है और वो चाहता है कि वो अपना एक पॉजिटिव इमेज आगे लेकर आए, अगर उन्हें लगता है कि वहां पे बहुत कोई डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जरूर आइए। एक साइड पे हम पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों को बिठाएंगे, यूथ को बिठाएंगे, दूसरी साइड से हम इंडिया साइड कश्मीर से लोगों को बिठाएंगे, और देखने वाले इस चीज को डिसाइड करेंगे कि कहां पे डेवलपमेंट है कहां पे डेवलपमेंट नहीं। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हर चीज का हल, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री के आपस में कंफ्लिक्ट हो, उसका हल
कमाल टेबल टॉक है, और ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम टेबल टॉक करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, उनकी सोच को हम समझें, हमारी सोच को वो समझें, लेकिन एट द एंड फायदा इंसानियत का होना चाहिए, फायदा ह्यूमैनिटी का होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको उरफाना जी की बातें कैसी लगी, मेरे सख्त सवालात या मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी और उरफाना मीर के बीच में ये जबरदस्त डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा खुद कश्मीर में रह रही कश्मीरी बेटी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी पत्रकार के सामने कहा कि वो प्राउड इंडियन कश्मीरी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।